आप ये जो देख रहे हो ना, ये मेरे ही हैं, ये मेरे ही दांत के इम्प्रिंट हैं। तो उसमें से एक दांत निकल भी गया, तो आज से 5-6 साल पहले मेरे जो टीथ है ना, वो ऐसे हुआ करते थे। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। तो ये आप दांत देख रहे हो ना, ये वाले, ये मेरे ही हैं, लेकिन पहले के दांत हैं। आज से 5 साल पहले के ये मेरे दांत हैं, और ये अभी मेरे दांत ऐसे हैं। आप इस पे डिफरेंशिएट करो, ये ऊपर वाले दांत में, ये और ये। तो आज मैं इसी के बारे में बताने जा रही हूँ, इसमें से एक दांत निकल गया, ये रहा। क्योंकि मैंने संभाल के रखा है अपने दांत को बहुत दिनों से। तो ये वैसे मिट्टी का बना हुआ, ये डॉक्टर ने मेरा 3D एक्सरे किया था, तो उससे ये उन्होंने प्रिंट लिया था, जैसे भी लिया हो ये मुझे पता नहीं। तो उन्होंने ये मुझे दिया था कि ये आपका दांत अभी है, और जब आपके जो टीथ है ना बिल्कुल अलाइन हो जाएंगे ना, उसके बाद आप डिफरेंशिएट कर पाओगे कि पहले कैसे थे और अभी कैसे हैं। तो इसलिए उन्होंने ये मुझे दिया था कि आपके दांत कहाँ कैसे थे और कैसे हो गए। तो ये अभी आप देख सकते हो, मेरे दांत ऐसे थे और ऐसे हो गए, और ये कैसे हुए वो मैं आपको अभी बताऊंगी, और कितने मेरे एक्सपेंसेस हुए तो वो भी मैं बताऊंगी। एक्चुअली मेरे जो टीथ थे ना, पहले मेरे टीथ सही थे, अच्छे थे, जब मैं 15-16 साल की थी ना। उसके बाद धीरे धीरे मेरे टीथ, पता नहीं, मेरा जो जॉ है ना, वो वीक हो रहा था। तो धीरे धीरे जो वीकनेस की वजह से ना, वो मेरे दांत बाहर आ रहे थे, दांत मतलब कि थोड़ा सा ऊंचा हो गया था। तो धीरे धीरे, और वो धीरे धीरे डे बाई डे, ईयर बाई ईयर वो ऊंचा ही हो रहा था। तो इसलिए मैंने डॉक्टर को विजिट किया। डॉक्टर ने बोला ये जॉ जब वीक हो जाता है ना, तो इसलिए इन दांतों का शेप बिगड़ जाता है। तो मैंने बोला कि इसका क्या सोल्यूशन है, तो उन्होंने बोला आपको ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे। तो मैंने बोला ठीक है, और डॉक्टर ने बोला इस पूरे जो प्रोसीजर में ना, आप कंप्लीट होने में ब्रेसेस के 2 से 2.5 साल लग सकते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, उतना भी कर लेंगे। तो मुझे टोटल 2.5 साल लगे थे यहाँ से यहाँ पे आने में, और ब्रेसेस से छुटकारा पाने में टोटल 2.5 साल लग गए मुझे, और पैसे भी बहुत खर्च हुए थे। लगभग मेरे खर्च हो गए थे 1.2 या 3 लाख खर्च हो गए थे मेरे। तो एक्चुअली ये सस्ते, थोड़ा कम में भी होता है, मीडियम में भी होता है, हाई में होता है, तो मैंने मीडियम वाला चूज किया था। और ब्रेसेस वैसे 3 या 4 तरीके होते हैं, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो मैंने डॉक्टर के यहाँ जो मैंने इन्फॉर्मेशन मुझे मिली मेरे हिसाब से, तो एक मेटल का होता है, एक सिरेमिक का होता है, और एक इनविजिबल होता है, इनविसिलाइन होता है। तो ये 3 होते हैं। जो मेटल वाला होता है ना, वो आप हंसोगे ना, जब वो लगाते हैं और जब वो फिक्स कर देते हैं, जब आप हंसोगे ना, तो मेटल वाला दिखता है, तो वो अच्छा नहीं लगता है, लोग लगाते हैं, वो थोड़ा सस्ते सस्ता वही है। और इसके बाद सिरेमिक वाला आता है, वो सिरेमिक होता है, तो वो वाइट वाइट कलर का होता है, आपके टिप के कलर का ही होगा, मैच हो जाएगा। जब वो पास से आके आप देखोगे ना, तब उसको आप फील कर पाओगे कि मेरे दांतों में कुछ लगा हुआ है, वरना दूर से कोई ये समझ नहीं पाएगा कि मेरे दांतों में कुछ लगा हुआ है। तो इसलिए मैंने वो वाला सिरेमिक वाला सेलेक्ट किया था। और इसके बाद होता है इनविसिलाइन वाला, जो कि वो सबसे ज़्यादा कॉस्टली होता है, तो उतना कॉस्टली करने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि रिजल्ट सबके एक से आते हैं। और मैंने मैं चूज करती मेटल वाला ही, लेकिन मेटल वाले में प्रॉब्लम था, मुझे 1.5 से 2 साल पहले वो लगाने थे, 1.5 से 2 साल मैं ऐसे हंसूं और वो दिखता रहे, तो वो भी नहीं अच्छा था। ऑफिस भी जाना था उस समय मुझे, तो इसलिए ऑफिस जाने के लिए बार बार अगर मुँह बोलती हूँ तो सब दिखेगा, तो इसलिए मैंने सिरेमिक वाला चूज किया। तो वो किसी को, जब मैं ऑफिस जा रही थी ना, वो किसी को पता भी नहीं चलता था कि मैंने दांतों में कुछ लगाया हुआ है। जो मेरे बगल में बैठता था ना, सिर्फ उसे ही पता था कि मैंने अपने दांतों में कुछ लगाया हुआ है, और किसी को नहीं पता था। और डॉक्टर ने मेरे उस समय की फ़ोटो भी ली थी, और ये रही मेरे उस समय की फ़ोटो, ये मेरे दांत ऐसे थे, और ये रहा मेरा, ये सामने से ये वाले दांत दिख रहे हैं, और ये देखा, ये और ये डिफरेंस।
और ये मेरी उस समय की फ़ोटो थी, ये मेरे दांत ऐसे थे और ये रहा अभी का। और मुझे खुद डिफरेंस फील हुआ जब दो साल तक मैंने लगाया, उसके बाद जब पूरा वो ब्रेसेस वाला कोर्स ख़त्म हो गया तो जब उन्होंने सारे ब्रेसेस मेरे निकाल दिए और उसके बाद जब मैंने अपने आप को देखा, आज जब ब्रेसेस लगाए रहो ना तो ऐसे थोड़ा सा ना ऊंचा सा लगता है, तो उस समय समझ भी नहीं आता, जब उन्होंने निकाला ना तो मुझे बहुत अच्छा सा फील हुआ और मुझे खुद ऐसा फील हो रहा था कि मेरे जो टीथ है ना बिल्कुल अलाइन हो गए हैं एकदम से, जैसे प्रॉपर जो टीथ होते हैं ना प्रॉपर वो वाले टीथ हो गए थे एकदम ऐसे आता है, कैसे बताऊँ मैं, जैसे प्रॉपर जो टीथ होते हैं ना जो फोटो में दिखाता है वैसे हो गए थे उस समय। बाद वाले पिक नहीं है, बाद वाले पिक उन्होंने मुझे नहीं दिया, लिया था लेकिन मैं ले नहीं पाई। और जब ब्रेसेस लगने थे ना तो डॉक्टर ने मेरे चार दांत निकाले थे और चार दांत एक साथ नहीं निकाले थे मेरे, कुछ दिनों बाद निकाले थे, पहले एक निकाला फिर एक या दो हफ्ते बाद दूसरा निकाला, फिर वन मंथ ये नीचे का निकाला, इधर एक इधर से निकाला, एक इधर से और एक इधर से, चार दांत निकाले, उसके बाद मेरे ब्रेसेस लगे हैं। उन्होंने बोला कि ये ब्रेसेस फिर बिना दांत निकाले अगर ब्रेसेस लगाएंगे ना तो फिर आपके दांत दोबारा फिर उसी शेप में आ जाएंगे, इसलिए वो आपके जो चार दांत हैं ना वो निकालने ज़रूरी हैं, तब जाके आपका प्रॉपर शेप आएगा दांतों का, तो इसलिए उन्होंने चार दांत निकाले थे। और इसमें कोई मुझे कोई पेन नहीं हुआ, मतलब कि वो दे देते हैं ना नम करने के लिए, यहाँ पे उन्होंने नम करने के लिए मुझे अंदर से इंजेक्शन दे दिया था, वो नम हो गया था, मुझे कुछ फील नहीं हुआ, बाद में भी फील नहीं हुआ, थोड़ा सा फील हुआ था, वो पेन किलर उन्होंने पेन किलर दिया था वो मैंने खा लिया, वो ठीक हो गया, और बाद में ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। मुझे तो डर लग रहा था, उन्होंने चार दांत निकाला, पता नहीं दांत निकाल देंगे बाद में वो ठीक नहीं हुआ तो फिर वो दांत तो वैसे ही दिखेंगे, लेकिन कुछ नहीं, मेरे दांत प्रॉपर अच्छे हो गए, प्रॉपर जैसे टीथ होता है वैसा हो गया। और क्या, तो मेरे ब्रेसेस लगे हुए थे पूरे दो साल तक, मेरे ब्रेसेस लगे दो साल के बाद डॉक्टर ने मेरा ब्रेसेस उतारा, निकाला, रिमूव किया, और उसके बाद उन्होंने बोला आपको अलाइनर लगाना पड़ेगा ताकि जो आपके जो टीथ है ना, जो शेप आपके टीथ को मिल गया है वो उस शेप पे मेंटेन रहे, इसलिए आपको अलाइनर लगाना पड़ेगा 6-7 महीने तक। तो उन्होंने मुझे ये अलाइनर, ये मेरे पास अभी भी है, इसको अलाइनर बोलते हैं, ये भी ट्रांसपेरेंट है और ये लगाने के बाद पता नहीं चलता कि मैंने लगाया हुआ है, तो इन्होंने ये दिया था मुझे। और ये इसलिए लगाते हैं, जो शेप डॉक्टर ने मुझे ब्रेसेस लगाने रिमूव करने के बाद जो मेरे शेप आए हैं ना दांतों में वो शेप मेंटेन रहे, इसलिए अलाइनर दिया था। अगर ये अलाइनर नहीं लगाएंगे ब्रेसेस निकालने के बाद उसको ऐसे छोड़ देंगे बिना अलाइनर के, तो धीरे धीरे वो बाद में फिर उसी शेप में आ जाएगा, इसलिए ये अलाइनर लगाना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने ये मुझे अलाइनर दिया था, ये ऊपर का दिया था और ये नीचे का दिया था, तो ये अलाइनर है और इसको मुझे कॉन्टिन्यूसली मुझे लगाना था 6 मंथ तक, उसके बाद मुझे इससे बीच बीच में लगाना था, फिर कुछ दिनों तक लगाना था, मतलब एक दिन लगाओ एक दिन ना लगाओ एक दिन लगाओ, मतलब ये ऑल्टरनेट डे पे कुछ दिनों तक लगाना था। उसके बाद उन्होंने बोला आप आफ्टर वन वीक लगाओ, उसके बाद एक वीक ना लगाओ, फिर उसके बाद 1 वीक लगाओ, ऐसे धीरे धीरे इसकी जो पीरियड था ना उसको कम करना था, वो एक बार में नहीं हो पाता, इसको धीरे धीरे पीरियड को कम करना था। तो ये मैंने लगाए थे लगभग 6 मंथ मैंने कॉन्टिन्यूसली लगाए थे और उसके बाद मैंने अल्टरनेट करके लगाया, फिर धीरे धीरे फिर मैंने इसको छोड़ा, फिर उसके बाद लास्ट में मैंने सिर्फ इसको नाइट में लगाना शुरू किया था, नाइट में लगाती थी, फिर नाइट में भी लगाना फिर धीरे धीरे बंद कर दिया। कुछ लोग तो इसे हमेशा लगाते हैं, मैंने देखा है कुछ लोग अलाइनर हमेशा ही लगाते हैं ताकि उनका जो दांत का प्रॉपर शेप है ना वो मेंटेन रहे, तो इसे लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं लगा के दिखाती हूँ, आपको लगेगा नहीं कि मैंने कुछ लगाया हुआ है। लग रहा है? कुछ नहीं लग रहा है। किसी को भी नहीं पता चलेगा, अगर अलाइनर आपके बगल में कोई भी बैठा हुआ है ना उसको भी नहीं पता चलेगा कि आपने अपने दांतों पे कुछ पहना हुआ है। तो ये इसके लिए बहुत अच्छा है
कि किसी को पता नहीं चलेगा कि हमने अपने दांतों में कुछ पहना हुआ है और हमें ऑड फील नहीं होगा। वैसे सामने से अगर कुछ दिखता है ना तो प्रॉपर नज़र उसी पे जाती है सीधा कि हाँ, अब बाद में कोई बंदा टोकता है तो और बुरा लगता है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये लगाने और निकालने में बहुत ही ईजी है, इसमें कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं, कोई रूल एंड जो भी है वो कुछ नहीं है। आप लगाओ, निकालो, लगाओ, निकालो। हाँ, इसका प्रॉपर क्लीनिंग करनी पड़ती है, कोई नहीं, ब्रश से क्लीनिंग करते हैं, टूथपेस्ट से ही करेंगे, क्योंकि वो मुँह के अंदर जाता है, बाकी किसी उससे नहीं करेंगे, सोप वगैरह से। तो उसकी प्रॉपर क्लीनिंग करते हैं। और क्या, हाँ, और एक्सपेंसेस तो मैंने बता ही दिए। मुझे इसका एक्सपेंस, जो टोटल एक्सपेंस पड़ा डॉक्टर का विजिट वगैरह सब मिला के 1.34 इसी के आसपास पड़ा था इसका सिरेमिक वाला। और अगर आप मेटल वाला लेते हो तो वो पड़ेगा मेरे हिसाब से 50 या 60 के आसपास मेटल वाला का जो कॉस्ट है ना, 50 के आसपास का पड़ेगा। और जो इन्वेसलाइन है उसका कॉस्ट बहुत है, मुझे मेरे हिसाब से उसका तो मुझे लग रहा है 3 या 4 या 5 इतना भी आ सकता है। मैंने उस पर ज़्यादा रिसर्च नहीं किया क्योंकि मुझे लगाना ही नहीं था, इसलिए मैंने पूछा नहीं। वो जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली था तो उतना पैसा लगा के कोई फ़ायदा नहीं था। रिजल्ट जब सेम आने हैं, उन्होंने बोला रिजल्ट सेम आने हैं, कोई भी डिफरेंसेस नहीं आना है, तो हमारे लिए यही बेस्ट था, इसलिए मैंने यही सिलेक्ट किया। मैं आपको ना प्रॉपर इसको दिखा रही हूँ फोकस करके कि मेरे दांत कैसे थे, ऐसे थे और अभी मेरे ऐसे हैं। प्रॉपर मेरे जो टीथ है ना वो अलाइन हो चुके हैं। और डॉक्टर, जिस डॉक्टर से मैंने दिखाया ना, वो बहुत ही एक्सपीरियंस डॉक्टर थे। और मैंने उसके डॉक्टर से मिलने के पहले मैंने 2-3 डॉक्टर से मैं मिल चुकी थी। और मुझे कभी भी ना एक डॉक्टर से मिलके कभी तुरंत चीज़ें नहीं करनी चाहिए, हमेशा 2-3 डॉक्टर की एडवाइस लेनी चाहिए, उसके बाद करनी चाहिए। इसलिए उसके पहले मैंने दो डॉक्टर से मिली थी उसके पहले, और वो थर्ड डॉक्टर थे तो वो मुझे सबसे बेस्ट लगे थे। और थोड़े उनके चार्जेस ज़्यादा थे लेकिन बेस्ट थे। थोड़ा सा अगर 10-15 या 20 हज़ार ज़्यादा लगा के अगर रिजल्ट अच्छा मिलता है तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा अच्छा है कि आपको रिजल्ट अच्छा मिल जाए। अगर 10-15 हज़ार बचाने के चक्कर में अगर रिजल्ट ख़राब मिल जाए तो वो भी अच्छा नहीं है, बाद में फिर वो पैसा बाद में फिर लगने वाला है। इसलिए 10-15 हज़ार लगा के अगर रिजल्ट अच्छा मिलता है तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा अच्छा है। तो ये रही मेरे ब्रेसेस की जर्नी, कि मैंने ब्रेसेस कैसे लगाए थे, कैसे निकाले, और अभी क्या। अभी तो मेरा कुछ नहीं है, बस मेरे दांत फिट हैं, मेरे दांत में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने लगवाए थे अपने ब्रेसेस 2019 अप्रैल में, और मेरे ब्रेसेस निकले थे 21 अप्रैल में मेरे ब्रेसेस निकले थे। उसके बाद मैंने 6 मंथ अलाइनर लगाया था, 6 मंथ तो मैंने कॉन्टिन्यूसली अलाइनर लगाया था। उसके बाद बीच बीच में मैं लगाती थी, मतलब कि वो अलाइनर भी मेरा 1 साल चला था, मतलब कि टोटल मेरा 3 साल का ये ट्रीटमेंट था। आप मान के चलो कि अलाइनर लगाने के बाद डॉक्टर विजिट, वैसे डॉक्टर ने बोला था आप बीच बीच में विजिट करते रहो, लेकिन मुझे मेरे टीथ में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी तो मैंने विजिट करना बंद कर दिया। बस अलाइनर मैं लगाती रही। हाँ, बीच में मेरा एक बार अलाइनर टूट गया था, ये जो है ना ये बीच से टूट गया था, तो मैंने इसको दोबारा बनवाया था। और ये अलाइनर, ये वाले अलाइनर ना सस्ते आते हैं, 6,000 के आसपास ही अलाइनर आते हैं, तो इस ये ठीक है, इसके प्राइस रिजनेबल है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन जो प्राइस है ना वो ब्रेसेस के, जो ब्रेसेस है ना मेन पार्ट वही है, प्राइस उसी के लगते हैं। और बस आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और आपके काम का था ये वीडियो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे और आप मेरा वीडियो देख सको। और अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, सब्सक्राइब कर दोगे तो कोई ऐसा कुछ नहीं है। बाय बाय एंड टेक केयर।